वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और आज फिर से आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूं, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, आज मैं उन सभी लड़कियों से, उन सभी औरतों से एक सवाल करना चाहती हूं कि क्या पीरियड के दिनों में होने वाली जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जो लीकेज होता है, जो इचिंग होता है, ड्राइनेस होता है, समटाइम्स इधर उधर आप घूम नहीं फिर पाते हो, पेन होता है, इन सारी समस्याओं से कितनी सारी लड़कियां परेशान होती है। तो 100 में से 90% लड़कियों का जवाब बिल्कुल हाँ होगा कि उनको इन सारी प्रॉब्लम से जरूर ये सारी प्रॉब्लम जरूर फेस करती है। उसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जो कि पीरियड्स के दिनों में सिर्फ पैड ही यूज करती है। तो 100 में से लगभग 90% से ज्यादा लड़कियों का जवाब हाँ में होगा, क्योंकि वो पैड यूज करती है ना। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज ये पूरा वीडियो है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जरूर वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो प्लीज आप फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके, पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी उनको मिल सके। और मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया था, #चलो जागरूकता फैलाएं, तो दोस्तों के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस मुहिम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाए, ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी मिल सके। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक लड़की जो होती है पूरे अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ साइकिल जितना भी होता है, जब तक उसको पीरियड होता है, जब से स्टार्ट होता है जब तक चलता है, उसको 80,000 से भी ज्यादा पैड का इस्तेमाल करती है अपने लाइफ साइकिल में। तो आप खुद ही पढ़े लिखे हो तो आप काउंट कर लो कि एक पैड का कीमत जितना होता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चलेगा कि एक पैड के ऊपर हम कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो एक तो इसमें होता है कि आपका पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा जाता है। दूसरा होता है कि इसके अंदर आपको कितनी सारी प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा होता है कि इससे आप अपने हाइजीन को, अपने जो अंदर की स्वच्छता होती है उसको कैसे मेंटेन कर पाते हो, ये सब चीज होती है ना। अगर आप पैड इस्तेमाल करते हो तो पैड से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना, कभी उसकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी लीकेज होता है, बार बार उसको पैड चेंज करना पड़ता है, तो इन सारी समस्याओं को हर कोई फेस करता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो गर्ल्स हो। अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो हमेशा आपको अपने आपके बैग में एक ना दो पैड हमेशा लेकर के जाना पड़ता है। कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज करने के पहले आपको सोचना पड़ता है कि हम यूज करें कि नहीं करें, क्योंकि पैड का प्रॉब्लम होता है। कहीं भी आप शॉपिंग मॉल जाओ, चाहे स्विमिंग वगैरह करते हो, आप डांसिंग करते हो, इन सारी समस्याओं के लिए आपको पैड के दिनों में, जैसे पीरियड के दिन में आपको सोचना पड़ता है कि आप फिर आप उस टाइम के लिए आप रेस्ट ले लेते हो। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं का तोड़ मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। आपके पूरे वजाइनल, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन, इरिटेशन जो भी होता है, उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो पैड इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिसको हम कंटिन्यू अगर हम लगातार यूज करते रहते हैं तो वजाइना से रिलेटेड हमें कैंसर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती दोस्तों कि आपको हो जाएगा, पर होने की संभावनाएं होती है। इस समस्याओं का समाधान क्या है दोस्तों, ये हमारा है मेंस्ट्रुअल कप। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेंस्ट्रुअल कप है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप है जो कि मैंने अभी ऑनलाइन लिया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर इसको खरीदो। अब ये मेंस्ट्रुअल कप क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे आप पीरियड के दिनों में इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो, इचिंग से, इरिटेशन से, ड्राइनेस से, इन सारी समस्याओं का समाधान ये मेंस्ट्रुअल कप है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसका यूज करें और क्या ये होता है, इसका भी नॉलेज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। 100 में से अगर आप परसेंटेज में यूज करो तो 90% लड़कियों को इसके बारे में, चाहे लड़कियों को चाहे औरतों को, किसी को नहीं पता होगा कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सब जानकारी दे रही हूँ, आप जरूर देखें। तो मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करें। मेंस्ट्रुअल कप एक कप के जैसा होता है, मैं आपको इसको खोल करके भी दिखाती हूँ। इस तरह का पैकेजिंग होता है, इस तरह से देखिए, मैंने इसको ऑनलाइन लिया है, अभी कुछ दिन पहले लिया है, तो इस तरह का पैकेट में होता है, बहुत ही अच्छा से होता है, सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छे से रखा जाता है। उसके बाद इस तरह के इसके अंदर रैपर्स होता है, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके एक बार देखा हुआ है,
तो इस तरह का पैकेट है और इस तरह का देखिए थैला दिया हुआ है जिसको कि आप बाद में इसको यूज करके इसके अंदर डाल करके रख सकते हैं। है ना, ये है मेंस्ट्रुअल कप। आप देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये है मेंस्ट्रुअल कप, बिल्कुल इस तरह से कप नुमा होता है, इस तरह से होता है। इसके नीचे ये टेल होता है और ऊपर में इस तरह से आप देखिए ये यहाँ पे कप जैसा होता है। तो दोस्तों ये होता है मेंस्ट्रुअल कप, इसका आपको समझ में आ गया। ये पिंक कलर का बहुत सारा कलर में मिलता है और इसका साइज भी अवेलेबल होता है आपके लीकेज के हिसाब से, आपके बॉडी के अंदर के हिसाब से। तीन तरह का साइज होता है, ये एस है, एम और एल, तीन साइज से मिलता है। आपका लीकेज किस किस हिसाब से होता है, कम होता है तो थोड़ा सा मैं एस साइज ली हूँ, मुझे कम होता है, मतलब जो ब्लड होता है बहुत ही कम आता है मुझे, तो मैं एस साइज ऑर्डर की हूँ। अगर आपको ज़्यादा होता है तो आप एम ऑर्डर करो। और जो शादीशुदा लेडीज होती हैं, जो कि बच्चे वच्चे जिसके होते हैं, तो वो एल साइज ऑर्डर कर सकती हैं। तो मैंने आपको बोला कि एक लड़की अपनी लाइफ साइकिल में कम से कम 80,000 से ज़्यादा पैड यूज़ करती हैं, लेकिन इसका प्राइस जो होता है सिर्फ 450 रुपया है, 435 रुपया दाम है। अगर आप इसको एवरटीन का है, अगर आप ऑनलाइन ले रही हो, मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आपको इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में आप इसको बहुत ही टाइम तक यूज़ कर सकती हो। और इसके ऊपर सारा डिटेल लिखा हुआ है कि इसको कितने दिनों तक यूज़ करना है। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, इसको आप लगभग अपने लाइफ में, कहाँ लिखा हुआ ये देखिए, रीयूजेबल फॉर एज लॉन्ग एज 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक आप 450 रुपये में 10 साल तक यूज़ कर सकते हो। तो आप सोच लो दोस्तों कि 10 साल तक अगर आप एक पैड यूज़ कर रहे हो तो 10 साल में आप अपने पैड पे कितना खर्चा करते हो, उसके साथ ही आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब पैड यूज़ करती हो। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप है सिर्फ 450 से 500 की रेंज में मिलता है और आप 10 साल तक आराम से टेंशन फ्री होकर के इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो सबसे बड़ी बात है कि कैसे यूज़ करना है। बहुत ही है लीक फ्री प्रोटेक्शन फॉर अप टू 12 आवर्स, यानी एक बार अगर आप लगा लेते हो तो आपको 12 घंटे तक बिना लीक के आपको प्रोटेक्शन देता है। कहीं भी किसी शॉपिंग मॉल, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटीज, चाहे स्विमिंग हो, जंपिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी काम आप इसको पहन के कर सकते हो, लेकिन पैड पहन के इतना सारा एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। तो है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, पैसे का भी, बजट का भी, प्लस टाइम ड्यूरेशन का भी। और सबसे बड़ी बात है आपको इसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, हाइजीन मिलता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा। मैं पिछले 1.5 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसके पहले भी मैंने एक बार आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट इसका मेंशन कप का रिव्यू शेयर किया था। उस टाइम मैंने जस्ट नया ही यूज़ करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो 1.5 साल के बाद फिर से आपके साथ लाने का मेन पर्पस है मेरा, क्योंकि मेरे पहले सब्सक्राइबर थोड़े कम थे और ज़्यादा हो गए हैं अब, तो मैंने सोचा सभी सब्सक्राइबर के पास ये अच्छी जानकारी जरूर से जरूर मिले। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप लेडीज हैं, अगर आप जेंट्स हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी जो वाइफ है, सारी समस्याओं से टेंशन फ्री रहे, पीरियड के दिनों में होने वाली बहुत सारी समस्याओं से टेंशन फ्री रहे, तो जरूर उसको मेंस्ट्रुअल कप गिफ्ट करें, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों, लाइफ जरूर चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ज़रूर, लेकिन 1 से 2 बार अगर आप जैसे इसको यूज़ करोगे, आप इसके, इसको बोलते हैं यूज़ फ्रेंडली हो जाओगे, बहुत ही अच्छा होगा। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने बताया मेंस्ट्रुअल कप ये होता है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। इसके लिए आपको कहीं भी कंफर्टेबल पोजीशन में छोटा सा इस तरह का टेबल वगैरह होता है, जैसे बाथरूम वगैरह में छोटा सा इस तरह का बैठने वाला होता है, उस पर आराम से बैठ जाए रिलैक्स पोजीशन में। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाएं और उसके बाद इसको इंसर्ट करना होता है। तो इंसर्ट करने के पहले जब भी आप इसको इंसर्ट करें, हमेशा गर्म पानी से वॉश करके ही करें, गर्म पानी में 1 से 2 मिनट डिप करके छोड़ दें और फिर उसको निकाल लें। इससे क्या होता है, इसके अंदर जितना भी जर्म्स वगैरह होते हैं सब हट जाएंगे और फिर काफ़ी अच्छे से आपको किस तरह की कोई इन्फेक्शन का भी डर नहीं होगा। तो जब भी रीयूज़ करें हमेशा ऐसे ही करें कि हमेशा वॉश कर ले गर्म पानी से, फिर इसको रीयूज़ करें नेक्स्ट जब भी आपका पीरियड का साइकिल आए तब।
तब इसको क्या करना है, रिलैक्स पोजीशन में आप बैठ गए, पैरों को थोड़ा फैला लिए और फिर इसको हाथ में लेना है। मैं आपको अभी हाथों पे बता देती हूँ करके कि ये देखिए जैसे ये है, मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से बताती हूँ, ये पैड है तो इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से दबाना है, आप देखिए मैं कैसे की हूँ, और फिर दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया और फिर इसको ऊपर की ओर इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। और फिर मान लीजिए आपका ये वजाइना है, ये वजाइना है और आपको इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्ट करना है धीरे 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 धीरे, आपके वजाइना इस तरह से जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाते ही ये इस तरह से छोड़ोगे जैसे ये खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया, खुल गया। समटाइम्स क्या होता है, नहीं खुलता है तो नीचे से जब आप ये जो टेल है, ये टेल वाला पार्ट नीचे लटका रहता है, आपके वजाइना के बाहर ही लटका रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हल्का से ये दो फिंगर लेकर के यहाँ पे पिंच पिंच करोगे, अगर ये बंद भी रहता है, अगर इस तरह से बंद रहेगा, इस तरह से मान लीजिए नहीं खुला, दो बार यहाँ पिंच पिंच करोगे तो ये खुल जाएगा, बहुत ही अच्छे से जाकर के ऊपर आपके वजाइनल एरिया के पास जाके फिक्स हो जाएगा और ये टेल बाहर रहेगा। तो बहुत ही डरने और घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये कहीं अंदर जा करके फंस ना जाए, अंदर ना चला जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं गारंटी लेती हूँ दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल गारंटी नहीं, कहीं भी कुछ भी अंदर नहीं जाता है, ये अपना एक पोजिशन होता है, वहाँ पर जाके फिक्स हो जाता है और जो ब्लड होता है वो इसके अंदर आकर के जमा होता है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जब ब्लड फिल हो जाएगा कि आपको लगभग, अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपकी, तो आराम से 4 से 5 घंटे के बाद आराम से इसको निकाल के वॉश आउट कर लीजिए और फिर से इंसर्ट कीजिए। अब निकालना कैसे है, जब आपको निकालना हो तो ये जो टेल वाला पार्ट होता है नीचे, इसको आराम से पकड़ ले और धीरे 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 निकालोगे तो बहुत ही ईजिली ये निकल आएगा, निकल आएगा। तो फिर आराम से इसका जो इसके अंदर ब्लड है इसको वॉश आउट करो, फेंक दो और फिर दोबारा इसको धो करके फिर से दोबारा जैसे मैंने बताया इस तरह से करके और फिर आराम से इंसर्ट करो। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। स्टार्टिंग में डर होगा आपको, 1 से 2 बार में आप डर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप पीरियड के दिनों में हो, आपको पीरियड भी हो रहा है, आपकी लीकेज भी हो रही है, बिल्कुल टेंशन फ्री। कुछ भी करो, कहीं भी पैर उठा के बैठो, जंप करो, घूमो फिरो, बाथरूम जाओ, स्विमिंग करो, जो करना है सब करो बिल्कुल, क्योंकि टेंशन फ्री लाइफ आपकी हो जाएगी, आपको पैड फ्री लाइफ फ्री हो जाएगी, पैड कहीं ले जाने की आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कभी भी आप शॉपिंग मॉल या कहीं भी बाहर जाते हो तो पीरियड के दौरान हमेशा आपको बैग में हमेशा पैड ले जाने की टेंशन होती है। समटाइम्स क्या होता है, हम भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं क्या होता है, किसी से हमें शेयर करने के लिए मतलब बोलना पड़ता है कि पैड है तो दे दो, तो ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप एक बार मेंस्ट्रुअल कप अगर पीरियड के दिनों में अपने घर में लगा लिया तो बाहर आप कहीं भी जा रहे हो तो पब्लिक टॉयलेट में जाओ, आराम से इसको निकालो, वॉश आउट करो, फिर वॉश करके फिर से डाल लो, तो बिल्कुल टेंशन फ्री वाला लाइफ हो जाएगा आपका, 110% गारंटी है। तो मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही ईजी है सभी गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, सभी के लिए। गर्ल्स के लिए मैं इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं बोलती कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है यूज़फुल, क्योंकि मैं गर्ल्स जब थी, मैं शादी के पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मैंने यूज़ नहीं किया। तो समटाइम्स लोगों को डर लगता है कि कहीं हम अपनी वर्जिनिटी ना खो दे, तो आपको मैं ज़्यादा सलाह नहीं दूंगी, अगर आप गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, टीनेज में हैं, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगी। शादीशुदा लेडीज़, बच्चे वाले लेडीज़ आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है गर्ल्स टाइम पे कि सच में वर्जिनिटी से लूज़ होती है कि नहीं होती है। लेकिन आप अगर आप डरना, आप अगर शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके, तो आराम से इसको इस्तेमाल करो, बहुत ही किफ़ायती है यूज़ करना, बजट में है आपके, पैसे कम लगेंगे, एक बार पैसे लगाओ 10 साल तक यूज़ करो, प्लस एक बार इसको लगा लो आप तो 12 घंटे तक टेंशन फ्री रहो, लीकेज फ्री रहेगा, पैड का टेंशन खत्म। पैड समटाइम्स क्या होता है, स्टॉक में नहीं रहता है, तो उसका भी टेंशन आपको फ्री हो जाएगा, एक बार ले लो आपको, कहीं भी रखो, धो करके आराम से रखो, तो ये सारी समस्याओं से आपको सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल कप छुटकारा दे देगा। एवरटीन का ये मेंस्ट्रुअल कप है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप खरीदोगे तो वहाँ से आपको शायद डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बहुत कुछ डिस्काउंट में मिल जाता है। और भी दोस्तों किसी तरह का क्वेश्चन हो, सवाल हो मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और वीडियो के नीचे लाइक है उसको लाइक जरूर करें, आपके लाइक और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, प्लीज़ कमेंट्स करें। और मैंने जो मुहिम स्टार्ट किया है, चलो जागरूकता फैलाएं, #
चलो जागरूकता फैलाएं। तो दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके साथ भी कभी किसी तरह की कोई समस्याएं हुई हैं पीरियड्स रिलेटेड, तो सबका आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा किरण शंकर चैनल पे। दोस्तों आज का बस इतना ही, आपके साथ बात करती हूँ, आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।